प्रगढ़ भाई तोगड़िया ने लव जिहाद के खिलाफ केंद्र सरकार से कानून बनाने की मांग की है। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया आगरा पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा को लेकर जल्दी कानून बनना चाहिए। राष्ट्रीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया जी ने महिला सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार से जल्द कानून लाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि हमने कई प्रकार से आज हिंदुओं को फ्री अनाज, फ्री इलाज और फ्री महिला सुरक्षा की ट्रेनिंग दी गई है, उसको लेकर कार्यक्रम किए जा रहे हैं। प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि केंद्र सरकार को एंटी लव जिहाद कानून बनना चाहिए। जिस तरीके से 35 टुकड़े कर लड़की को फेंक दिया जाता है, वो इस कानून की बदौलत ही सुधरेंगे। अमन गुप्ता, आगरा, समाचार 24। मुझसे कह रहे थे सर, क्या आप आगरा आए हो, क्या कह रहे हैं? बस हमारा संकल्प है अब तो हिंदू ही आगे, और हिंदू सभी परिवारों को आगे ले जाने के लिए हमने देशव्यापी अनेक प्रकार के कार्यक्रम, गरीबों को अन्न, गरीबों को फ्री में प्राइवेट के डॉक्टर, मुफ्त में ब्लड प्रेशर शुगर की जांच, बच्चों की टैलेंट पढ़ाई में आगे आ जाए इसलिए उनका प्रयास, और महिला सुरक्षा की ट्रेनिंग, ऐसे अनेक कार्यक्रम हमने देश में शुरू किए हैं। सर, लव जिहाद को लेकर क्या कहेंगे? प्रतिदिन देखा जा रहा है कि बस सब हिंदुओं को चिंता है कि हमारी बहन बेटी को कोई फंसाएगा नहीं, और श्रद्धा के 35 टुकड़े के बाद तो सब में चिंता और डर दोनों है। केंद्र सरकार को एंटी लव जिहाद कानून बनाना चाहिए, और हम देशव्यापी महिला सुरक्षा की ट्रेनिंग हमने शुरू की है। सही, महिला सुरक्षा को लेकर अभी तक कोई कानून लागू नहीं हुआ है। देखा जाता है उत्तर प्रदेश में आए दिन घटना घटती है महिलाओं के संग, और एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं को लेकर इतनी बड़ी बातें करती है, पर कोई भी अभी तक कोई रणनीति नहीं बनी है। इस पर क्या कहना है? करेंगे, योगी जी करेंगे। धन्यवाद।